यही तो छोटे पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने अकाउंट को भी पार्टी का अकाउंट ही मानता है। तो इसमें तो इस तरह का ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है। और हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राम कुमार शर्मा जी है, हमारे आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि जी है, इन सब लोगों को भी ठगने का काम किया। आप सिटिंग एमपी थे, इनका टिकट काट दिया। बेतिया सीट जो ब्रजेश कुशवाहा को दिया वो भी पार्टी का कर्ज करता नहीं है, उसे भी पैसा लेके 6 करोड़ रुपए में टिकट बेच दिया। उजियारपुर और काराकाट दोनों सीट पे खुद चुनाव लड़ लिए, जबकि नागमणि जी को उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं आपको उजियारपुर से उम्मीदवार बनाऊंगा। इनको टिकट इसलिए नहीं दिया कि इनके जब फार्म हाउस में उपेंद्र कुशवाहा मेरे कार में बीएमडब्ल्यू में बैठ के गए तो वहां पे मोतिहारी के बहुत सारे नेता थे, उन्होंने बोला नागमणि जी अरे इतना बड़ा आपका फार्म हाउस है तो हम लोग को भी दे दीजिए। इन्होंने फार्म हाउस नहीं दिया इसलिए इनको टिकट नहीं दिया, ये गवाह है। और मोतिहारी जिला के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे नेता थे जिन्होंने माधव आनंद का अनाउंस किया इनके फार्म हाउस में, तो फार्म हाउस नहीं दिया तो टिकट काट दिया। तो इस तरह का घिनौना और घटिया पॉलिटिक्स करने वाले उपेंद्र कुशवाहा हम लोग को बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। तो हमारी के सीट को 3 बार बेचा, मैं पार्टी को 5 साल पूरी मेहनत के साथ मैंने चलाया और पार्टी के हर कार्यक्रम में मैंने पैसे खर्च किए, 15 करोड़ रुपए मैंने पार्टी में खर्च किए। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मुझसे 10 करोड़ रुपए अलग से मांग की, मैंने बोला कि मैंने आपके पार्टी के लिए इतना किया है अब मैं इतना नहीं दे सकता। तो फिर माधव आनंद को 9 करोड़ रुपए में उनसे सौदा किया। उसके बाद आकाश सिंह जो अखिलेश सिंह के पुत्र है जो पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं है ऐसे लोगों से भी पैसा लेके टिकट बेचने का काम किया। तो उपेंद्र कुशवाहा टिकट का बहुत बड़ा सौदागर है। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये माना कि प्रदीप मिश्रा ने मेरे अकाउंट में 90 लाख रुपया दिए। उसके बाद उन्होंने ये भी माना कि विदेश में हमारे साथ घूमने गए और ये भी माना कि पार्टी के कार्यक्रम में जो गांधी मैदान में रैली हुई उसमें मैंने 54 लाख रुपए ड्राफ्ट से दिए। तो हर बात को उपेंद्र कुशवाहा ने कबूल किया लेकिन उन्होंने तो कहा था कि पार्टी